को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएनबी अनीशाबाद शाखा से डकैती कांड का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 33 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पटना SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, पुलिस ने डकैती कांड का उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी लोकल अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार और बाइक भी बरामद किए हैं। पिछले 10 सालों से ये घटना में लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। 25 से 35 सत्य मारा था। प्रफुल्ल का नाम प्रफुल्ल नहीं है, उसका नाम शाही आ रहा था। तो केस उद्भेदित होने के बाद भी एक एक व्यक्ति को पकड़ने में 8-8 घंटे लगे, क्योंकि आप उस लोकल एरिया में जाने के बाद भी अमित नाम का आदमी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, अमन नाम का आदमी रहता है। एक दूसरे के घर नहीं जानते हैं ये लोग, एक आदमी दूसरे के घर नहीं जानता। लास्ट उसी दिन मुलाकात हुई, ये भी हमारे संयोग था कि एक दिन वहाँ ये लोग, अब इनकी बदकिस्मती है या हमारी किस्मत है कि वहाँ पर इकट्ठा ये लोग मिल जाते। किसने क्या क्या नाम रखा था उसने? वो इरेलीवेंट है, तो नया नाम जो स्पष्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। ये लोग सभी मित्र हैं ना, 5 सालों से घटना को अंजाम दिए हुए कई घटनाओं। इसमें 3 लोग एकदम मित्र हैं, सोनेलाल, हरि नारायण और अमन, और बाकी 2 लोग कांटेक्ट से आए थे। किसके कांटेक्ट? नहीं, इन लोग का कांटेक्ट 15 साल से जो पटना में रह रहा है उसके लिए लड़का खोजना कौन सा बड़ी बात। कंकड़बाग में जो हुआ था सर, हाँ, फर्स्ट ट्राई वाला, हाँ, तो उसमें क्या अमन, जब ये बरामदगी हुई तो जिस जहाँ से बरामदगी हुई, तो ये देखिए 3 सोने के जेवर हैं, ये बरामद हुए थे। इसका मूल्य आज की डेट में लगभग 4 लाख रुपया होना चाहिए। ये किस मामले में हुआ था? फर्स्ट क्राई जो लूट हुआ था कंकड़बाग वाला, उसी में जो ओनर था उसके काउंटर से कैश लिया गया था 1,85,000 रुपये, और उसके गले से ये 3 हार निकाल लिए गए थे, और उसका कड़ा भी काटा गया था, कड़ा इसने बेच दिया है। और ये रिकवरी हुई तो इसका हम लोगों ने, चूँकि FIR में उनका आंकड़ा था इसका कि ये इसमें एक लॉकेट गया है, फिर बाद में इसने बोला कि उसी घटना का ये किसके पास था? सुने लगा 3 के पास था, ये 3 पहने हुए हैं, 3 सोना का सामान है। ये लोग कोई संलिप्तता उजागर इसमें नहीं हुई। लूट के पैसे से एक जो अपराधी है वो कह रहे थे अवैध शराब का व्यवसाय भी करने की फिराक में जुटा। हाँ, ऐसा उसका प्लान था। वो एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में था ऐसा उसने बताया, और जिस एरिया में वो रहता है उसने, क्योंकि उसका दियर के इलाके से काफ़ी क्लोज उसका वहाँ पर ठिकाना है, तो उसको ऐसा लगा कि इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा तो इससे पैसा कमा सकता हूँ। लाइनर के पोजीशन लेने के बाद बाहर जो निगरानी रख रहा था, ये लोग बैंक में घुसते हैं, 10 से 15 मिनट में बैंक का ये लोग डकैती करते हैं। डकैती के पहले इन्हीं 5 में से एक व्यक्ति हरि नारायण जो है वो बैंक के अंदर घुस के रेकी करके भी आता है, और घटना हो जाती है, घटना घटित होती है। सारे पैसे लेकर ये लोग वापस बाईपास के रास्ते, 3 जो मोटरसाइकिल्स हैं 3 दिशा में भागती है, ये प्लान का हिस्सा था। एक मोटरसाइकिल बाईपास सिपारा के बाद गायब हो जाती है, एक मोटरसाइकिल 90 फीट के बाद गायब हो जाती है, और तीसरी मोटरसाइकिल का ट्रेस ही नहीं मिलता है। ये केस नियर ब्लाइंड केस था। इसमें चूँकि पहले कोई जेल नहीं गया है ऐसे अपराध में, इसलिए अपराध की इतिहास को खंगालने के बावजूद वैसे अपराधी का नाम सामने नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको बताया जो इनिशियल 3-4 दिनों में हुआ। इसमें टोटल सफलता ह्यूमन इंटेलिजेंस और अनवरत फील्ड वर्क की वजह से मिली है। लगातार प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर के स्ट्रेच को खंगाला जाता रहा, और लगभग आधा पटना खोजना पड़ा, तब ये 6 दिनों के बाद ये लीड मिली। और इस बात की सुखद अनुभूति है कि ये केस सही डिटेक्ट हुआ, इसमें कोई निर्दोष जेल नहीं जा रहा है, सही लोग जेल जा रहे हैं। टोटल 8 आदमी इन्वॉल्व थे, जो 2 लोग बाहर थे, 6 लोग बैंक के अंदर थे, 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, और हम लोग को और 3 लोगों को पकड़ना है। उनके पास 10 लाख रुपये शेयर गया है, एक के पास 4 लाख है, एक के पास 3 लाख है, एक के पास और 3 लाख है, वो बरामद हो जाएगा तो रकम में और इजाफा होगा। डकैतों ने जो बताया है कि लूट की राशि यद्यपि 52 लाख लिखवाई गई है, लेकिन 46 लाख की गिनती में लूट आया था, कैश जो था 46 लाख था। इसको भी हम लोगों ने बैंक के जो स्टाफ हैं, जो वादी हैं, उनको भी हम लोगों ने शेयर कर दिया है कि उसके ऊपर वो जांच कर लें। वैसे FIR को हम सत्य मान के चल रहे हैं कि जो आंकड़ा वही है, और हो सकता है उतनी बरामदगी बाद में हो। यही सारांश है इस पूरे घटनाक्रम का। इसमें
आप लोग से एक व्यक्तिगत अनुरोध होगा कि इसमें मेरे को सिपाहियों ने बहुत अच्छा काम किया है, इन लोगों का आप लोग अगर इसको अच्छे से प्रकाशित कर पाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा इनके मनोबल के लिए, और जो प्रिंट मीडिया है उसमें अगर इनका नाम आए तो अच्छी बात है। सिपाही आलोक कुमार राय हैं, सिपाही धीरज कुमार हैं, सिपाही चंदन कुमार हैं, सिपाही राजा बाबू, सिपाही मनीष कुमार मालाकार, सिपाही मुकेश कुमार, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही इंदुभूषण पासवान, सिपाही सुमन कुमार, सिपाही सुंदरलाल चौधरी, सिपाही नवीन कुमार, ड्राइवर अखिलेश कुमार और ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार पासवान। ऐसे पूरी टीम का लिस्ट मैं दे दूंगा जो लोग इसमें काम किए हैं, टोटल 23 लोग लगे थे, 10 अफसर हैं मुझे लेकर और 13 सिपाही हैं। यही सारांश से पूरी घटना करूँगा। अपने कुछ पैसों को शराब के खरीद में भी इन्वेस्ट किया था, तो वो उसके निशानदेही में 85,000 का शराब भी बरामद हुआ है। उसका अलग से केस इसके पूरे थाना क्षेत्र में हो रहा है। जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं उनका मुख्य सरगना अमन कुमार है, जिसका मैंने बताया कि पेशे से वो इंग्लिश टीचर है। दूसरा है सोने लाल, ये रहने वाला है गोसाई टोला बुद्धा कॉलोनी का, यह शटरिंग मिस्त्री का काम करता है। ये पहले गुजरात केरला में भी काम कर चुका है, 2-3 साल से बिहार में है। तीसरा मेन व्यक्ति जो है ये हरि नारायण है, ये आर के नगर क्षेत्र का रहने वाला है। ये कराटे टीचर है और जिम इंस्ट्रक्टर का काम ये करता रहा है। चौथा व्यक्ति प्रफुल्ल कुमार है, ये पेशे से कंपाउंडर है। इसका अपना एक सो कॉल्ड क्लिनिक चलता है बोरिंग कैनाल रोड में, रिलायंस ट्रेंड्स का जो शोरूम है उसके बगल में। उसके बाद पांचवा व्यक्ति जो है वह है गणेश कुमार उर्फ ननकी, ये पहले जेल जा चुका है, शराब पीने के जुर्म में जेल एक दो बार गया है। इसका भी जो ठिकाना है यह बुद्धा को, ये राजापुर पुल के आसपास इसका निवास है। जब पूरी घटना का उद्भेदन हुआ तो जो कहानी निकल के आई वो ऐसी थी कि ये पांचों लोगों में से कोई भी व्यक्ति पहले जेल नहीं गया, हालांकि ये लोग 5 साल से लगातार सक्रिय रहे हैं। इन्होंने कुबोला के 2015 में भी एक बहुत ही चर्चित घटना हुई थी इसके पूरी क्षेत्र में, जानकी निवास में जो गैस एजेंसी के मालिक थे उनके यहाँ डकैती की घटना हुई थी, उसमें ये लोग संलिप्त थे, इन्वॉल्व थे। आज से 3 महीने पहले 23 फरवरी को फर्स्ट क्राई, ये कंकड़बाग में एक जगह है, फर्स्ट क्राई दुकान है, खिलौने की दुकान है, उसमें रात में 10 बजे लूट होती है। उस घटना में भी ये 3 लोग संलिप्त थे, उनका नाम अमन और सोनेलाल और हरि नारायण है। पंजाब नेशनल बैंक की घटना का प्लानिंग दिसंबर से चल रहा था। कारण ये था कि जो मेन इनका सरगना है अमन कुमार, ये अनिसाबाद गोलंबर स्थित ही जो विनिंग एज इंस्टीट्यूट है वहीं पढ़ाता है। पेशे से अपराधी ये है, इसका दूसरा पेशा कोचिंग है, और ना सिर्फ ये एक जगह पढ़ाता है, कई जगह पढ़ाता है, अच्छा टीचर है, इसके कई स्टूडेंट्स पढ़ा चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ये किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाया था आज से 5 साल पहले। इन लोगों के मन में ये बात है कि लगातार ये अपराध कर रहे हैं, पकड़े नहीं गए हैं पिछले 5 सालों में, तो इस बार इन लोगों ने, इसने टारगेट किया था कि इसके रूट में पड़ता था, जब ये घर जाता था पोस्टल पार्क चक्कनपुर में तो उसके रूट में पड़ता था बैंक, समहाउ उसको वो टारगेट किया। ये और इसका दोस्त हरि नारायण जो है वो गांधी मैदान में कराटे सिखाता था, और ये गांधी मैदान में दौड़ने आता था, तो गांधी मैदान में ही इन लोगों की मुलाकात हुई और फिर इन लोगों ने अपने लिंक्स खंगाले, तो आपस में ये लोग किसी किसी से पूछ के लड़कों को जुगाड़ किए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।